तो गाइस आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ नॉक कैसे हुआ, तो सही बोलूँ तो भाई मुझे खुद नहीं पता। और यहाँ पे हो चुका है गलत सीन, यहाँ पे हो चुका हैकर का एंट्री। अब क्या ही गलत सीन होने वाला, मतलब दो दो तीन तीन बंदे घुस रहे हैं। तो वेलकम गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक पबजी सॉरी हैकर द मोबाइल लाइट गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस इस गेम में क्या ही खतरनाक होने वाले लास्ट में, मतलब भाई मैं सामने वाले बंदों को नॉक करता हूँ और वो मुझे मार के चिकन ले जाता है। और आप सोच रहे पागल हो गए फिर से क्या क्या बोल रहा है, पर नहीं आप लोग वीडियो में बने रहो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ उतरता हूँ और मेरे हाथ लगती है बाइसन और बंदे भी यहीं हैं। तो यहाँ से मैं एक को नॉक करता हूँ और एक सामने ही होता है जो यूएमपी शायद पता नहीं क्या ही चला रहा था। तो खैर मैं इसको दौड़ाता हूँ और ये नीचे ही आएगा। आप देखो यहाँ पे तो इसको भी नॉक करके मैं फटाक से इधर ही आके रिलोड करता हूँ और इसी सबसे पहले पेटी जाता हूँ। भाई अभी बंदे इधर बहुत उतरे हैं और तुम देखना गाइस यहाँ पे ही मेरे 8, 9, 10 पता नहीं कितने किलो हो जाएंगे, मतलब बहुत बंदे इधर उतरे हैं। तो खैर इसको मार के मैं पेटी फूटी लूटता हूँ और यहाँ से मुझे फुस्टे पाते हैं। मैं हल्का ऊपर जाता हूँ फिर नीचे आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे इसको भाई कतई कैंपिंग चल रही है। हाँ सही है भाई, शुरुआत में गन ना मिले तो कैंपिंग कर लो, पर भाई इसके पास तो गन था फिर भी। तो खैर इस टीम के मैं 3 बंदे को नॉक कर चुका हूँ और ये एक भग रहा था, हल्का सा डैमेज पड़ा इसको पर बच गया ये। पर खैर कोई ना, और भी बहुत सारे बंदे यहाँ पे। और देखो यहाँ पे मैं यहाँ रिलोड कर रहा हूँ और ऊपर देखो भगते हुए एक बंदा चलाता है। तो मैं फटाक से अपनी गन चेंज करता हूँ। सॉरी ये बॉट है, ये बंदा नहीं, ये बॉट है। तो मैं बॉट को मारने की कोशिश करता हूँ, उतने में बंदा ऊपर आ जाता है। तो मैं फटाक से यूएमपी स्विच करता हूँ और इसको भी नॉक दे लिया। और इसको नॉक देने के बाद मैं थोड़ा इधर उधर घूमने लगता हूँ, देखता हूँ भाई और बंदे है कि नहीं है, मतलब क्या बोलूँ। खैर इधर लूट पड़ी हुई थी तो मैं लूट उठा लेता हूँ। और गाइस इतने कॉन्फिग यूज़र और इतने हैकर आने ना गेम प्ले नहीं निकल पा रहे हैं। और ये वही बंदा है जिसको मैंने शुरुआत में ही नॉक किया हुआ था। तो यहाँ से शायद खाली नहीं होता है भाई, अभी और भी बहुत बंदे हैं पर सब कैंप किए हुए तो कुछ पता चल नहीं रहा है। तो मैं इधर से थोड़ा लूट वूट उठाता हूँ और टीममेट को बोलता हूँ भाई बंदे उंदे हैं तो बताओ। और इधर शायद इधर अभी बंदे नहीं होते, पर अभी देखना भाई बंदे सब आने ही वाले हैं। तो मैं यहाँ पे रिलोड उलोड करता हूँ और देखता हूँ भाई कुछ मिल जाए। और सामने बंदे होते हैं पर इतनी दूर से भाई घंटा कुछ नहीं होने वाला है। और भाई मेरे टीममेट को देखो, मतलब एक एम से ही उड़ा दिया उसको। और यहाँ पे मैं 30 पहुँच जाता हूँ उधर, मतलब इतने सर्किल में बॉट को मार के किया हूँ और बंदे नहीं थे शायद। तो यहाँ से भाई साहब देख रहे हो जादूगर, मतलब क्या ही बोला जाए भाई, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं। चाहे इन लोगों को कुछ भी कर दो यार, मुंह में जाकर डंडा कर दो इन लोगों को, फिर भी लोग सुधरने वाले नहीं है, मतलब ये लोग हैक करना छोड़ेंगे नहीं। तो खैर मैं इधर से हील मारता हूँ और घुस जाता हूँ आगे की ओर, भाई कहीं ऐसा ना हो कि एक से ज़्यादा बंदे हो धके लपेट दे हमें। और यहाँ पे हो जाती है गलत सीन, और क्या गलत सीन होते देखो यहाँ पे। मैं यहाँ अंदर जाने की कोशिश करता हूँ और ये कूद जाता है नीचे, और देखो इसको देख रहे हो भाई। एक तो मैंने गलती कर दी, मेरी गन रिलोड में चली गई, और ऊपर से भाई इतनी जल्दी नॉक करता है ना, मतलब हाई डैमेज क्या ही बोला है। तो खैर मैं यहाँ से रिवाइव लेता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या ही गलत सीन होने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे हो भाई ये फिर से काहे रिवाइव ले रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, मुझे खुद नहीं पता मैं भगते भगते अंदर आ रहा था उतने में नॉक, और यहाँ पे हो चुका है रस। और यहाँ पे दो दो तीन तीन न जाने कितने बंदे आ गए हैं, और देखो इसको साले घुसे परे एकदम, मतलब ऊपर नीचे करके। तो मैं इसको नॉक करता हूँ और एक को मेरे टीममेट ने नॉक किया, तो इस सबके पहले पेटी डालता हूँ भाई। पेटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेटी डालो सालो सबकी, क्या पता इसका चौथा बंदा ले जाए हम लोग को। तो खैर मैं यहाँ से एक बंदा और बचा हुआ होता है, मैं यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ ऊपर आएगा नहीं। और उतने में ही मुझे साउंड आता है, साउंड क्या था बाहर से भगने की, और बाहर भगने की साउंड आता है तो मैं भी पीछे घूम के जाऊँगा। देखो यहाँ पे, और यहाँ से मौली खींच रहा था देखो इसको। और गाइस ये वही बंदा होता है जो मुझे नॉक किया था, मतलब भाई हैकर समझ रहे हो, मतलब इतनी दूर से नॉक किया था ना मुझे, मुझे खुद नहीं पता चला भाई मैं नॉक कैसे हो गया। खैर कोई बात नहीं गाइस, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं इसकी पेटी बना चुका हूँ। और गाइस लास्ट वाला सीन तो तुम देखना ही भाई, मतलब क्या ही गदर होता है। मतलब सीन कुछ ऐसा होगा ना कि मतलब मैं सामने वाले बंदे को नॉक करूँगा और वही नॉक वाला बंदा मुझे मार के मतलब चिकन ले जाएगा। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ देखो यहाँ पे, तो खैर यहाँ से मैं कार 92 उधार लेता हूँ अपने टीममेट से, और ये बंदा एक बॉडी शॉट और नॉक करने की पूरी कोशिश थी पर हो नहीं पाया भाई, कार 98 का डैमेज ही बहुत कम है। और यहाँ पे देखो भाई अब गलत सीन का शुरुआत हो चुका है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। देखो आप लोग, और यहाँ से मेरा नेट सस्ता वाला साला क्या ही बोला जाए। तो यहाँ से मैं उस बंदे को देख रहा हूँ तो उतने से बगल से बंदा आ गया, और ये देखो भाई मिस।
तो खैर कोई बात नहीं, कार 98 शॉट मिस हो गया, तो मैं इसको M4 से नॉक कर दिया हूँ और बाकी दोनों बंदे जो होते हैं वो घुस रहे थे एकदम, मतलब भाई साहब। और इसके पास क्या होता है पता है? RPG, पर मुझे अभी पता नहीं होता है, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता है कि मतलब मैं इतनी देर से लड़ रहा हूँ, इसके पास RPG है। भाई ने इस्तेमाल नहीं किया था पर अब इस्तेमाल करेगा ये, और इतना खतरनाक इस्तेमाल करेगा ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो खैर ये नीचे आ जाता है तो मैं भी नीचे कूद जाता हूँ कि भाई ऊपर रहना सेफ नहीं था, नेट या मौली कुछ भी आ सकता था। तो मैं यहाँ से खुद मौली कर देता हूँ यहाँ पे, पर उससे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, वो बंदा मतलब भाग गया वहाँ से। और देखो गाइस अब यहाँ पे तैयार हो जाए गलत सीन के लिए, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना गलत सीन होने वाला है ना यहाँ पे। तो मैं ऊपर की ओर आता हूँ और मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लगता है, तो मैं वापस वहीं पे चला जाता हूँ जहाँ मैं पहले था। और ये बंदा आता है देखो, तो मैं ऐसे नेट घिस रहा होता हूँ शायद, हाँ नेट ही घिस रहा था मैं, पर भाई किस्मत ख़राब, ये ऊपर आता है देखो, और लो भैया ख़त्म। मतलब भाई मैं इसको नॉक कर देता हूँ पर इसकी RPG मुझे लग जाती है, अब क्या ही